आगे बढ़ेंगे। लद्दाख Y20 प्री समिट की मेजबानी के लिए तैयार है, प्रतिनिधि मंडलों के आने का सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। सभी प्रतिनिधियों का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा, स्थानीय पारंपरिक संस्कृति का भी इस मौके पर प्रदर्शन किया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल Y20 शिखर सम्मेलन की समीक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर बीडी मिश्रा Y20 शिखर सम्मेलन की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लद्दाख Y20 प्री समिट की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रतिनिधि मंडलों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 9 बजे का वक्त दिया गया था, सभी प्रतिनिधियों का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जाएगा और जो मुख्य स्थल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ का भी दौरा कराया जाएगा। जो मशहूर चीज़ें हैं लद्दाख की, उसे भी मेहमानों से उसको अवगत कराया जाएगा। आपको बता दें कि लद्दाख के उपराज्यपाल Y20 शिखर सम्मेलन की समीक्षा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, Y20 प्री शिखर सम्मेलन के लिए लद्दाख पूरी तरह से तैयार है, प्रतिनिधियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मोरूप स्टैंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोरूप, बताइएगा क्या प्रतिनिधि मंडल जो है और डेलीगेट्स हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? आप जहां पर खड़े हैं वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी सना, इस वक्त मैं कुशोक बकुले रिम्पोचे एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रिसेप्शन के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं रंग बिरंगी जो डिफरेंट रीजन को रिप्रेजेंट करते हुए जो कल्चर ट्रूप से अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप स्वागत के लिए तैयार है। अभी आपको ये बता दूं कि ये जो उड़ान है दिल्ली से 9 बजे उड़ान भर चुकी है, तो लगभग यहाँ 10:20 पर पहुँचने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग तैयारी में खड़े हैं। जी तो तस्वीरें दिखा रहे हैं मोरूप स्टैंडर्ड एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर मेहमानों का इंतजार किया जा रहा है। अगर इन तमाम ट्रूप्स में से किसी से बात हो पाए कि वो कितने इस वक्त उत्साहित हैं मेहमानों का स्वागत करने के लिए, अगर बातचीत हो पाए तो बात करिएगा प्लीज। जी, यहाँ पर जो नोडल ऑफिसर है स्वागत विश्वास सर, जो डिविजनल कमिश्नर है, जो Y20 के नोडल ऑफिसर है, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो हम नोडल ऑफिसर खुद यहाँ मौजूद है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस प्रिपरेशन के बारे में बताएं जो वेलकम के लिए आप लोग यहाँ रिसेप्शन में। वेलकम तो UT एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जोर शोर से कर रही है हमारे Y20 डेलीगेट्स का। तो आप देख सकते हैं ये हमारे कल्चरल के ट्रूप्स यहाँ हैं, बच्चे हैं जो लद्दाखी लोकल ट्रेडिशनल वेलकम कर रहे हैं, गाना बजाना सुरना वगैरह सब बजा रहे हैं। और एप्रन एरिया के अंदर भी कल्चरल ट्रूप हमारे हैं जो कि दूर से वेव करेंगे हमारे जो गेस्ट्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं। फिर हमारे यहाँ पर एक फैसिलिटेशन काउंटर बहुत खूबसूरत बनाया गया है ट्रेडिशनल डिज़ाइन के साथ, वहाँ पर सारा बेसिक रिफ्रेशमेंट, मॉर्निंग रिफ्रेशमेंट की प्रोविजंस है। और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, जो लद्दाख में कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव को दर्शाती है, वो इलेक्ट्रिक बसेस टारमैक से गेस्ट्स को लेके आएंगी जो कि चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हैं। तो सारे गेस्ट्स को टारमैक से हमारे इलेक्ट्रिक बसेस लेके आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हमारे यहाँ से गेस्ट्स को लेके जा रही हैं और उनके रेस्पेक्टिव होटल्स में लेके जाएंगी। वहाँ फिर से इनका स्वागत सम्मान किया जाएगा और फिर वो लोग आज का दिन आराम करेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये थे सना जी, जैसे कि मैंने बताया नोडल ऑफिसर खुद यहाँ मौजूद है, बारीकी से सबको प्रिपरेशन को देखा जा रहा है। तो अभी आपको जैसे स्वागत सर ने बताया कि जो लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने की एक मुहिम चल रहा है, तो उसके तहत सारे काफी सारे इलेक्ट्रिक बसेस लाया है, तो हम उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। वो इस वक्त जो गेस्ट डेलीगेट्स आने वाला है, डेलीगेट्स की तादाद लगभग 100 से ऊपर बताया जा रहा है, तो वो लोग यहाँ आके इलेक्ट्रिक बस में जाके अपने होटल में जाएंगे। जी एयरपोर्ट से होटल कितनी दूरी पर है ये बताइएगा मोरूप, जहाँ पर इन तमाम डेलीगेशंस को रखा जाएगा, तमाम मेहमानों को रखा जाएगा। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे भी हम देख पा रहे हैं कि पारंपरिक वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं और ये लद्दाख की रिवायत को दर्शा रहे हैं, वहाँ की सकाफत को दर्शा रहे हैं। इनसे अगर बात करिएगा कि ये कितने उत्साहित महसूस कर रहे हैं, बच्चों से पूछिएगा स्पेशली कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि वो किस लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी, हम
जी यहाँ के स्कूल के बच्चे भी इस जो स्वागत में शामिल है, तो हम एक दो बच्चे से पूछने की कोशिश करेंगे। यार आपका नाम? मेरा नाम चुजिन डोलकर है। तो ये आप लोग यहाँ रिसेप्शन के लिए आए, कितना आप लोग का बेसब्री से इसकी इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं? बहुत समय से। तो आप खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, लद्दाख की ड्रेस? हाँ। कौन से स्कूल से आप? लद्दाख पब्लिक से। तो जी सना, ये आपने देखा कि ये गर्ल, छोटे छोटे गर्ल्स और बॉयज से जो लद्दाख पब्लिक स्कूल के हैं, वो लोग यहाँ पर शामिल है। और हम और एक जो तुर्तु बोगदंग से आर्टिस्ट आते हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ काफी सारे तादाद में वहाँ से भी आप ये सुटना लेके आप, बाकी दमान वगैरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेके आए। सर आपका नाम? अब्दुल हमीद जनाब। अब्दुल हमीद, तो बताइए ये कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कितने दिन से इनके लिए? हम तो यहाँ पे आज से 3-4 दिन के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं सर, जो कल्चर एकेडमी की तरफ से वहाँ पे हमको यहाँ पे रिसेप्शन के लिए G20 का। हाँ, तो आपके रीजन के कौन से जो सॉन्ग होगा या डांस होगा उसको? हाँ, आप प्रेस हम कर? हम यहाँ पे आज ही रिसेप्शन का है, सिर्फ यहाँ पे हम हरियाणू लाएंगे, इसके रिसेप्शन एक अच्छा सा हरियाणू लाएंगे, उसका नाम है मौलवी वजीर। उसमें काफ़ी वो उसका रिसेप्शन का काफ़ी उसका तारीफ की और दुआ की इसमें गाना है। जी सना, तो आपने सुना कि ये तुर्तुक जो रीजन से लद्दाख में नुब्रा साइड में पड़ता है, तो काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए आर्टिस्ट की तरह। बिल्कुल मोरूप, एक चीज ये है, क्योंकि जैसे कि नोडल ऑफिसर ने बताया कि आज इनका पारंपरिक स्वागत किया जाएगा, फिर आज तमाम जो मेहमान हैं वो रेस्ट करेंगे। कल से अगर बात प्रोग्राम की करें और रिवायती तौर पर इस समिट की करें, तो कल से लेकर ये कितने दिनों तक जारी रहने वाला, इस हवाले से बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि लद्दाख मेज़बानी कर रहा है और ये लद्दाख के लिए ये समिट कितना अहमियत रख रहा है, लद्दाख से इससे इस समिट से लद्दाख पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी सना, तो ये जो समिट है आज से शुरू है, तो 28 तारीख तक चलेगा। तो कल के दिन की बात करें तो कल जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर जाएंगे, जैसे कि संगम होगा, जैसे मैग्नेटिक हिल होगा, उसी तरह जो कुछ मॉनेस्ट्रीज में भी विजिट करेंगे। तो लद्दाख के लिए ये बहुत बड़ी इमेज रहेगा, उससे लद्दाख के लोगों के लिए पहचान और भी जागरूक होगा, क्योंकि जब से यूटी बना लद्दाख को एक यूनिक आइडेंटिटी मिला, तब ऐसे जो इंटरनेशनल स्तर के ऐसे जो इवेंट करने से लद्दाख को और लद्दाख का नाम और भी इंटरनेशनल मैप पे और भी जो प्रोमिनेंट रहेंगे। जी जी 26 से शुरू होने वाला प्रोग्राम 28 तक जारी रहेगा, क्या इस हवाले से अगर उपराज्यपाल के साथ किसी मीटिंग या प्रतिनिधि मंडलों के हवाले से कुछ जानकारी मिल पाई है, कुछ जो ऑफिशियल्स हैं क्या उनके साथ भी मीटिंग इन तमाम डेलीगेशंस की होने वाली है, इस हवाले से कोई जानकारी मोरू? जी जैसे कि मैंने बताया, कल के दिन जो एक एक्सकर्शन की तरह टूर होगा, उसके बाद परसों जो इनोग्रेशन होगा उसमें जो उपराज्यपाल शामिल होंगे, तो उस प्रोग्राम में वो शिरकत करेंगे, तो इनके साथ इनका भी जो LG लद्दाख के साथ भी इंट्रोडक्शन होगा। और जी सना, फिलहाल के लिए प्रोग्राम में यही बताया जा रहा है। ठीक है, तो LG से बातचीत और मुलाकात होने की भी खबरें हैं कि LG BD शर्मा, उपराज्यपाल BD शर्मा लद्दाख, उनसे इन तमाम डेलीगेशन की मुलाकात तो होगी, और मुलाकात के बाद देखना ये होगा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कुछ जारी किया जाता है। क्या ये जानकारी मिल पाई मोरूप कि नोडल ऑफिसर से आपकी इससे पहले बात हुई कि कौन कौन से देशों के प्रतिनिधिमंडल ये आज पहुँच रहे हैं लद्दाख, जो कि 10:20 का समय आप बता रहे थे? जी सना, जो डेलीगेट की संख्या है लगभग 140 की संख्या बताया जा रहा है, जो विशेष विमान से अभी दिल्ली से उड़न भर चुके, कुछ ही क्षणों में यहाँ लैंड होगा, लेकिन कौन कौन से कंट्री होगा इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं, क्योंकि एक सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये इसको थोड़ा गुप्त रखा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जो कंट्रीज है उनकी जो डेलीगेट ले में शिरकत करने की ये उम्मीद है। जी ठीक है, तो सुरक्षा कारणों की वजह से डेलीगेट्स के मुल्कों के देशों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। हमें चाहेंगे कि मोरूप एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाएं और बताएं इन तस्वीरों में लद्दाख की जो पारंपरिक संस्कृति है वो क्या कुछ दिखाई दे रही है, हमारे दर्शकों
लोगों को बताइए ताकि जो रेस्ट ऑफ द कंट्री के लोग हैं वो देख पाए कि इस लाइन में जो छोटे छोटे बच्चे और कुछ कुछ कलाकार मौजूद हैं उनके पास खास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं और क्या वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आज मेहमानों के सामने। जी तो अभी आप देख पा रहा होगा हमारे टीवी स्क्रीन पे जो सभी के जो हाथ में तिरंगा और जो ट्रेडिशनल खताक से साथ ही साथ ये जो एक दो आर्टिस्ट का अगर मैं डिस्क्रिप्शन बता दूँ ये आर्यन वैली से है, एक लद्दाख के रीजन बहुत ही पॉपुलर है आर्यन रीजन से, और इसी तरह जो तुर्तुक रीजन से है, काफ़ी हर लद्दाख के बोलूँ तो लद्दाख के हर रीजन से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। और कुछ जो आर्टिस्ट तो जो एयरपोर्ट के अंदर ही अंदर ही चले गए तो वहाँ भी काफ़ी सारे रंग बिरंगे जो गोशास पहन के वहाँ चले गए। अब ये बता दूँ ये जैसे नॉमेडिक रीजन जो चंगथंग रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं उनके हाथ में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहा होगा इस समय हमारे टीवी स्क्रीन पे, बिल्कुल इसका धुन सुनना चाहेंगे, इनको बोलिए बजाते रहें। और आप देख सकते हो कि बच्चों में कितना उत्सुकता है। जी 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 तो ये आप धुन बजा रहे जो चंगथंग नॉमेडिक भी बोला जा सकता है, चंगथंग रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, उन्हीं के वहाँ पर बहुत ही पॉपुलर है। जी जी इसके अलावा क्या कुछ खास बात है वो हम दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मोरूफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लद्दाख की संस्कृति इस वक्त झलक रही है और यही संस्कृति तमाम जो आ रहे प्रतिनिधि मंडलों को अपनी ओर रिझाने के लिए इसका कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ ब्रेकिंग एक्ट 10 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।